हाँ जी, कहते कनेडा सरकार 119 महायोधे जिन्ह ने पता नहीं कितने कितने दंगे फसाद किए, कभी टिम होटल से, कभी पार्क में, कभी गार्डन में, कितने कितने कृपाना कटिया, उन्होंने डिपोर्ट कर जा रही है। देखो किन्नी किन्ना नाम रोशन करके चले अपने माँ प्यो का। वाह, जो इदा के कपूत पैदा हुए हो, सॉरी पूत पैदा हुए हो, है ना, कपूत पूत वट एवर जो भी, किन्ना मां ने हंकार इदा धुन तां कीती होनी, मेरे घर पुत जम्मिया, दराणियां जठाणियां छंकार, मेरे घर मुंडा होया, बुढ़िया इदा ही करदियां, ते बंदे इदा सिर चक के साडे घरे पुत होया, लड्डू वंडे होने आ, मठियाईयां वंडियां होनियां, की कुछ कुत्ता होना इदा दे कपूत सपूतां वास्ते। सो आज कपूत सपूत 119 कपूत सपूत डिपोर्ट होणगे, किदा दी कनेडा सरकार डिपोर्ट करूगी, और सिख कौम का इन्ना क नाम रोशन करके जा रहे हैं, आय हाय हाय, पूछो ही ना। कहिंदे पंजाबी जिथे भी जाते एक अपनी वक्री पहचान बनाते हैं, एक वक्रा अंदाज होंगे पंजाबियों का, जो दलेरी पंजाबियों विच है ना, वह किसी कौम विच दलेरी नहीं है, तुहानूं इह वी दस दिंदी हां। पंजाबी हर एक काम नूं करन दी क्षमता रखते हैं, पर जो साडी नवी पीढ़ी इह जे कंजर खाने च पै जाती है, इह जे कंजर पुणे करती है, लड़ाई झगड़े कृपाना कढ लईआं, बाहरली कंट्रियां च आ के भी इह इंडिया वाला गाह पाउंदे आ, इत्थों दे कानून नूं फॉलो नहीं करदे आ, फिर डिपोर्ट होंगे, फिर इन्हों के पेरेंट्स इधर रोंदे आ, सरकार गाला कढ़ते, पर अपने पुत्तां दे जूत नहीं मारते। ये जे पुत्तां दे जूत मारने चाहिए आ, पूरे प्रॉपर्टी तो बेदखल कर देना चाहिए। असि मैं एक बंदे नूं जानदी आ, उहनूं उहदे माँ प्यो ने प्रॉपर्टी चो बेदखल कीते, दस्सिओ ना किसी नूं, पता क्यों, क्योंकि उहनें बड़ियां जनानियां विआह कर करके छड्डियां, उहदे बुढ़े ने मरन लगे विल बनाती, जदों तक बंदा घर नहीं वसाउंदा, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੂਤ ਪੂਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਮੁੰਡਾ, ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੁੜੀ ਦੇ ਕਟਾਪਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਟਾਪਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਕਟਾਪਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੂਤ ਕਪੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸੋ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫੁਕਰਾ ਪੰਥੀਆਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਉਣੀਆਂ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਪੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਰਜੋ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਜੋ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 35 ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਹਾਏ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ।